पता है क्या होता है। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब यहाँ पर जमा हुए, आपके नाम का और शरीफ साहब का, और इसके अलावा हमारे छोटे भाई अतीक साहब हैं जेनेटिक्स के हेड हैं यहाँ पर पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया हुआ है, इंतजाम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अच्छा कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सब प्यारे बच्चों से कुछ बातें कर सकूँ, जो कि बहुत ही अहमियत वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन जहनी सेहत के हवाले से आपसे बात करूँगा। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, ठीक है। इस तरह के 10 अक्टूबर को, जैसे अभी एक दो दिन पहले 10 अक्टूबर का दिन गुजरा है, तो सारी दुनिया में एक दिन मनाया जाता है, जैसे टीचर्स डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, ठीक है। इसी तरह जहनी सेहत, दिमागी सेहत के हवाले से भी ये दिन मनाया जाता है, इसको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कहते हैं। हेल्थ डे 10 अक्टूबर हर साल को मनाया जाता है, पूरे साल में एक दिन हम ये मनाते हैं कि जहनी सेहत क्या होती है, उसकी बीमारियां क्या होती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। फिर आप उसको अपने सीने में रोक लीजिए सेकेंड, अच्छा ये दूसरा फेज हो गया। तीसरे फेज में क्या करें, सांस बाहर निकालिए रुक के जरिए, वो भी 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड में सांस लेनी ना के जरिए, 5 सेकेंड रोकनी और अगले 3 सेकेंड में रुक के जरिए बाहर निकालनी, ये हो गया एक सांस। कितनी सांसें लेनी है, 15, 20, 25, 30, वो आपके टाइम के अनुसार, ठीक है। ये एक तरीका इसके लिए ये होता है कि आपने लंबी सांस ली 3 सेकेंड में, गहरी सांस इतनी लंबी कि आपके साथ होता है, फिर आपने सांस रोकी 3, 4, 5 सेकेंड, उसके बाद 3 सेकेंड में आप निकाले, उसके दौरान आप आँखें बंद करनी है। आँखें क्यों बंद करनी है पता है, क्योंकि आप अपने दिमाग में कोई खूबसूरत जगह लाएंगे, ऐसी जगह या जैसे हनौरा ग्यारह या कोई और खूबसूरत जगह जहाँ पर आप गए हों, आप अपने तस्वीर में रहें कि मैं एक खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर फूल है और मैं सारा इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। सब करें, आँखें बंद करें और तस्वीर में लाएँ कि आप खूबसूरत जगह पर बैठे हैं जहाँ पर फूल है, सब कुछ है। 3 सेकंड के बाद आप सांस, 5 सेकंड रोकने के बाद आपने ऐसा ऐसा मुंह के जरिए सांस निकालनी है, अभी निकाल दी शामिल ऐसा ऐसा, अच्छा इस तरह निकालनी है, पर्सिंग ऑफ द लिप्स, जैसे आप कैंडल बुझाते हैं एकदम से नहीं, ऐसा ऐसा दोबारा कर सकते हैं आप, शाबाश करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग भी करें, शाबाश। वो किया ना बोलते एक की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बोला अगर इसका हल किया बोलते सिर्फ मैं उससे एक बार मिलना चाहता, अभी मैं क्या करूँ, उसको उसके साथ मिला डिसऑर्डर, वो अच्छे दोस्त हैं आपस में और वो किसी वजह से नाराज़ हैं, तो ज़रूर उनको मिलाएं, ये तो आपका सवाब बनता है, करके सवाब का काम है ना, दो दोस्तों को मिलाना, गलत फहमी दूर करना, ठीक है। और इस हवाले से उसके साथ सपोर्ट करें, उसको बताएं कि भाई कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई और मसला हो तो उसके वाले से उसके वालदेन को भी बताना चाहिए, ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल किया, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अजमल है सर, मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है कि मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ या मुझको घर वाले कोई चीज़ के लिए भूल जाते हैं, मैं वो आधा कर लेता हूँ, आधा भूल जाता, और इसके अलावा सर मैं हमेशा जब किसी चीज़ के डीप में चला जाता हूँ तो मैं और ही डीप में बस चला जाया करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, आखिर में इतना डीप तक चला जाता हूँ सर कि मेरे सर जो है वो घूमने लगता है और मेरे जो पाँव होते हैं सर वो सर इस तरह जैसे कपकपाने लगते हैं, सर इसका क्या मसला है। क्या है कि जब मुझे कुछ बताया जाता है तो अक्सर मैं भूल जाता हूँ या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहरा सोचता हूँ, तो इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि इसको हम कहते हैं अटेंशन कंसंट्रेशन का मसला, यानी किसी बात पे तवज्जा ना देना, मिसाल के तौर पर आपकी वालदा होगा लेकिन असल में आपकी तवज्जा कहीं और होगी, उसको हम कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, यू कैन नॉट फोकस, यू कैन नॉट सस्टेन फोकस। तो ये जो अजमल साहब है इसका मेन मसला अटेंशन कंसंट्रेशन का होता है, और इसके लिए यही है कि उसको वो जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी वर्जिश, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक तो वो करनी है नंबर एक, दूसरी इसने अपनी नींद पूरी करनी है, ठीक है जी, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने हमें एक सहूलत दी है नींद, उससे बंदा चार्ज हो जाता है और आपकी मेमोरी बनती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं अपनी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने के, और जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं उसको एक अलग तरफ रखें, और कोई और चीज़ें स्टेशनरी की चीज़ें उसको एक और ग्रुप बनाएँ, तो ग्रुप याद रखें बजाय एक चीज़ को
अलग अलग याद करना साहब ने कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंगर मैनेजमेंट के तरीके मैंने आपको बताए थे ना, जिसमें फिर वही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड काउंटिंग डाउन फ्रॉम 10 टू 1, ये दो तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1।